अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद तो सब खैर सा हूँ। अज वरी इंग्लिश की क्लास सा गुँ मुख्तावर मुगल हाजिर आया। जी त कल पा पैसिव एक्टिव वॉइस पढ़े हुए इन गुड एक कॉम्प्रिहेंशन भी हुए अज मैट्रिक जो बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो वो पा स्टार्ट कंदी। उनमें कंटेंट है या जो कुछ भी ग्रामर के हिसाब से या कॉम्प्रिहेंशन जी उनल तक पैर एक रिव्यू कराइंदम दिखारीदम उन कॉम्प्रिहेंशन में सिलेक्ट कई है। ठीक है, उन पा अज डिस्कशन कंदी जी एक्सरसाइजेस उन रिलेटेड अज पा सॉल्व कंदी। ठीक है, सो बेसिकली जो नाइन्थ मैट्रिक जो बुक है वो थोड़ो एडवांस लेवल ते है। पहले जेके भी बुक्स हुआ एट्थ ताई उहे थोड़ा नॉर्मल हुआ जेके असा समझी सकूं पहले सी करे पढ़ी करे। ठीक है, पर जेके नाइन्थ मैट्रिक जा बुक्स आहिन उन के बेहतर आहे त तहां थोड़ो वधिक टाइम दिजो त जिए तहां के हर का गाल जेका भी आहे समझ में अची वञे छो जो उहे थोड़ा एडवांस लेवल ते आहिन। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। मैट्रिक जो एक कॉम्प्रिहेंशन आहे अॼु उहो पढ़ंदासीं। सो दिस इज द बुक दैट यू कैन गेट ऑन द वेबसाइट the link that we have already given you। theek hai, un link te taake hi book mili vindi aaram sa utte vani kare ta book download kyo ai po unake read out kyo। theek hai, so this is the book and this is the content। acha theek hai, so everyone शुरू में ही अगर तक असा ज्वाइन कौ तो दैट विल बी ग्रेट छो जो जो कॉम्प्रिहेंशन है वो इलाही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम कॉम्प्रिहेंशन तक पढ़ल हों समझल हों तक अगर जो एक्सरसाइजेस उदो। ठीक है, सो टाइम की इलाही थोड़ी कर पाबंदी तो जी मना इतने अगर पढ़ाया थी समझाया थी तक तो वो गाल समझ में अची वे। ठीक है, सो कंटेंट दिसो तो केड़ा केड़ा आहिन हाने ही जेके आहिन जेको मैट्रिक जो बुक आए उनमें ही जेके से पोएम्स आहिन कॉम्प्रिहेंशंस आहिन वे दिनल आहिन। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। नंबर वन द वॉइस ऑफ गॉड, या एक पोएम आहे जेका दिनल आहे पहिरें ही। देन द वाइज कैलिफ, प्रोफेशंस आहिन जेमें टीचिंग एंड फिशिंग जेको आहे उनके डिस्कस कयो वियो आहे। देन लिटिल थिंग्स, अगेन इट्स अ पोएम, अ विजिट, कॉम्प्रिहेंशन। देन वी हैव किंग फैसल, यो भी कॉम्प्रिहेंशन आहे। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, दैट इज अगेन अ पोएम। डिग्निटी ऑफ वर्क, देन वी हैव अ नेशन्स स्ट्रेंथ, अगेन पोएम आहे। ब्यूटिफुल हैंड्स, अगेन दैट इज अ पोएम। ठीक है, सो दिस इज वॉट अबाउट द कंटेन। एंड दिसो जो इनमें काफी लेंथी बुक आहे मैट्रिक जो ना उनमें इलाही सारा कॉम्प्रिहेंशन भी दिनल आहिन इलाही सारी पोएम्स भी दिनल आहिन। ठीक है, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो असा इनके समझाऊं पढ़ाऊं इनके हर जो लेसन आए वो भी काफी काफी लेंदी है। कॉम्प्रिहेंशन भी इलाही वड्यू आहिन उन सा गड गड जेके एक्सरसाइजेस दिनल आहिन उहे भी थोड़ी एडवांस लेवल जो आहिन। ठीक है, सो इनके थोड़ो वधिक टाइम देणो पवंदो। ओके, अ विलेज फेयर, स्पीक जेंटली, शॉपिंग, द हैंड दैट rocks the cradle, an African village, kangaroos and the spider, the inheritors, Casablanca, yo ek poem ahe wo the city of ahe ya Morocco ji unate ek poem thayla hai, the Khyber Pass, the minstrel boy, theek hai, then we have how to do things, arranging a party, mending a puncture, theek hai, then the uses of adversity, poem again ya making a summary, then there's a good time coming, again here a poem ahe, the customs of various religions in Pakistan, theek hai, the man who wins, so these are the 26 comprehensions and poems given in the book। ठीक है, जो मैट्रिक जो बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव डिस्कस इन द बुक। हाँ कंटेंट की तक खबर पेजी वही है तो सारे कंटेंट में अज एक कॉम्प्रिहेंशन बुक खो है वो भी काफी लेंदी हुए जैसे कुछ क्वेश्चन कुछ शूं अड़ी इंक्लूड क्यों जी बुक में ही दिनल है। ठीक है, सो द मेन थिंग ऑफ टेलिंग दिस इज के अस हर एक कॉम्प्रिहेंशन खड़ी कर पढ़ाए ना सकूं। ठीक है, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एक बोर्डम थी वी तहां बजाय सी गल है को व्यूअरशिप भी घटती थी वने क्लास में भी कोनन के जेके वही करे बुधन था। ठीक है, पर जेके रेगुलर आइन बुधन था तो डेफिनेटली दे विल गेट एडवांटेज ऑफ इट। तहां के जेका भी शे हुंदी वा जदे ता दिसन दो
या पढ़ंदो त तव्हांखे बिल्कुलु ईज़ी लॻंदी छो जो क्लास में उहा ई शइ असां तव्हांखे पढ़ाई आहे ठीकु आहे सो प्रैक्टिस कंदव प्रैक्टिस इज़ वॉट दैट यू हैव टू डू राइट वी हैव टू टेल यू द पाथ असां तव्हांखे रस्तो ॾेखारींदासीं पर वञिणो तव्हांखे पाण आहे हुते ठीकु आहे सो एक्ज़ैक्टली दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू ठीकु आहे ओके सो प्रोफेशन्स हीउ जेको कॉम्प्रिहेंशन आहे जंहिं मूं खयो आहे बेसिकली टीचर्स ते आहे ऐं हीउ जेको पी एस टी एन जे एस टी दैट इज़ द टेस्ट फॉर टीचर्स ठीकु आहे बेसिकली सो मूं सोचियो त छो न इन शइ खे असां अॼु पढ़ूं ऐं असांखे ख़बर पवे त टीचर्स जेके आहिनि उन्हनि जूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहिड़ियूं आहिनि टेस्ट जी तयारी सां गॾु गॾु असांखे कुझु मोरल ऐं जेको एथिकल जेके असांजा आहिनि कंसर्न्स या जेके मैनर्स आहिनि असांखे उहे बि ख़बर हुअणु खपनि न एज़ अ टीचर असांजूं छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि सो दैट इज़ वाई आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू टेक फ्रॉम दिस दिस बुक ठीकु आहे सो लेट्स स्टार्ट ओके वालेकुम असलाम एवरी वन सभु कमेंट्स करे रहिया आहिनि ऐं इलाही सारा स्टूडेंट्स अची बि विया आहिनि सो गाइज ओके लेट्स स्टार्ट विथ द कॉम्प्रिहेंशन नाउ प्रोफेशन्स टीचिंग हाणे कॉम्प्रिहेंशन जी मीनिंग ॿुधाईंदमि पर पिक्चर क्लिक ज़रूरु कजो ठीकु आहे ओके वन सिंधी वर्ड फॉर टीचर्स इज आहून इट कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड खानदान विच मीन्स टू रीड इट सेज दैट गॉड राइट्स हिज लॉ ऑन द हार्ट्स ऑफ मैन And a teacher is one who can read what he writes on the human heart. Sindhi jo hikro word ahe, thika, ahund, jenji meaning ahe cha, teacher, thika. Yo jiko hai Persian word ma niktal ahe, khandan ma jenji meaning ahe, to read, parn, thika. Jee ikra ahe, that is Arabic word, thika, unaji meaning ahe, to read. ठीकु आहे त पर्शियन वर्ड आहे खानदान हुन जी मीनिंग बि आहे टू रीड इट सेज दैट गॉड राइट्स इज लॉ हाणे लिखियलु आहे त इहो चयो वञे थो त अलाह जेको आहे गॉड जेको आहे उन पंहिंजा जेके लॉज आहिनि उहे माण्हुनि जी दिलनि ते लिखी छॾिया आहिनि ठीकु आहे एंड अ टीचर इज़ वन हू कैन रीड वॉट ही राइट्स ऑन द ह्यूमन हार्ट टीचर उहो हूंदो आहे जेको उहो जेके रूल्स आहिनि या उहे जेके अलाह पंहिंजा लॉज लिखी छॾिया आहिनि असांजे दिलनि ते उहो पढ़ी सघे थो ठीकु आहे छो जो असां जेके टीचर्स आहियूं असां नंढनि ॿारनि खे बि पढ़ायूं था असां डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जे माण्हुनि खे पढ़ायूं था ठीकु आहे जॾहिं बिल्कुलु बेसिक जॾहिं पी एस टी जी ॻाल्हि कजे थी त बिल्कुलु नंढिड़ा ॿार हूंदा आहिनि स्कूल्स जा जेके माइट पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हनि जी आहे बिल्कुलु पर टीचर्स जे हवाले करे हू वञनि था त माना जेको टाइम आहे उन में तव्हां उन्हनि खे संवारियो बिल्कुलु नंढनि गुलनि वांगुरु ॿार हूंदा आहिनि न त उन्हनि खे पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्झणु ठीकु आहे सो दिस इज़ वाई इट्स अ बिग प्रोफेशन ठीकु आहे वॾो हिकिड़ो चवंदा आहिनि न मोतबर प्रोफेशन आहे अगरि असां सम्झूं हिन ॻाल्हि खे त ठीकु आहे छो जो इनखे रिलेट कयो वञे थो केॾो त अलाह साईं जेको आहे माण्हुनि जे दिलनि ते लॉज लिखी छॾिया आहिनि ऐं केरु उहो लॉ पढ़ी सघे थो हिकु टीचर आहे जेको उहो लॉ पढ़ी सघे थो ठीकु आहे दिस मैसेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड फाउंड इन द स्केर्ड राइटिंग्स as well as entrenched in the work of creation all of which came from the divine command theek hai hane chahe tho ta yo reflection show kare tho jeke likhil shayun ahin ai jeke asa chahun ta mana ki divine command hai allah je tarfa ta hi jo profession hai wo kedo hi mohtabar profession hai theek hai hence a teacher is a reader par excellence theek hai one who fulfills God's command expressed in the first word of the revelation wahi yani revelation ji cha meaning hai revelation ji meaning hai wahi theek hai which says read jeka pehli wahi hui jeka paanch sagoran te nazil ki hui wo wo jeko hoyo wo word cha hoyo wo ikra word hoyo theek hai that says read padho theek hai so teacher is what who has excellence on reading jeke padhne te command aaye jeko jeke paan indo to wo padhaindo na this is basically the concept ke agar mukhe kuch na indo tahte bhi kare aur taake cha padhaindo kuch bhi na theek hai ai taake agar kuch bhi na indo ta hello test pass bhi kare vyo jiye ti hai jeko bhi thyo unka wo agar taake padhain na aayo ta ta pehje baran ke school mein kiye padhaindo this is what a teacher is one who has command on the thing that he is going to teach theek hai then the teacher is one who knows how to read god's words to be written on the human heart teacher hua jeke khabar aahe ta kiye mana asa jeko aahe so allah ja jeke likhyal lafz aahin insanan je dilan te we padhi sakau theek hai or the holy book or in nature theek hai jeke
قرآن شریف میں جو کچھ لکھل ہے یا جو نیچر کے تھرو اصا ایکسپلور کوں تھا الائی کچھ ٹھیک ہے سو وہ ٹیچر ہے جو ایکسپلور کرے سکے تو ٹیچر یہ نہ ہے کہ صرف اصا ایک ٹیچر کی گال کہ ٹیچر سبجیکٹس الائی ہیں ٹھیک ہے ایریاز الائی ہیں فیلڈز الائی ہیں سو ایوری ون از ہیونگ سم سارٹ آف ایکسپرٹی آن ان دیئر فیلڈ ٹھیک ہے ایک ٹیچر اِسی کون تھا چاہیے ایک ٹیچر ہے تو ان کے ساری دنیا کی نالج ہونا کھپے نو دیٹ از امپاسبل کچھ اڑی بھی شیئر ہوں جی اصا پینے اسٹوڈنٹس کا سکھا آئیں اصل نئی ہوں ٹھیک ہے فار ایگزامپل آؤں لینگویج ٹیچر آیا تو مجھے لینگویج سے کمانڈ ہوں ٹھیک ہے پر ہاں میتھمیٹکس کی کا گال اچھی تھی وجے یا کا سائنس کی گال اچھی تھی وجے تو ان میں ان میں یہ انتظار تھی سکے تو مجھے ایڈی کمانڈ نہ ہوجائے انفارمیشن ضرور ہوں پر جو سائنس جو یا میتھ جو ٹیچر تاکہ پڑھائے سکتا وہ آؤں تاکہ ان کے بارے میں نہ پڑھائے سکس ٹھیک ہے سو دس از ہاؤ ٹیچر از ون ہو نوز واٹ ہی کین ٹیچ بیسٹ ٹھیک ہے ایوری فیلڈ از ہیونگ الائی واسٹ فیلڈ ان ساؤنڈ ٹھیک ہے سو دس از ہاؤ وی کین کیٹیگرائز اٹ ان کا پوچھا تو چاہے ہینس آور اون لینگویج پزیس ا ورڈ آخون وچ از دا بیسٹ ایکسپریشن آف ا ٹیچرز سٹیٹس اینڈ ڈگنیٹی ہاں آخون جو ورڈ ہے وہ چون تھا تو بیسٹ ورڈ ہے ٹو شو دا ڈگنیٹی جو رتبو ہے ٹیچر جو ان کی رسپیکٹ ہے اسٹیٹس ہے ان کے شو کرنے لائے ہی بیسٹ ورڈ ہے سندھی میں اصا ٹھیک ہے آخون اوکے سو پکچرز پلیز کلک کیو چھو جو ماں جڑے ایک دفعہ سلائیڈ کے کراس کرے ویندم تو کو بار بار ان تے اچن تھوڑو مشکل تو تھی ونی ٹھیک ہے اوکے ناؤ سچ ا ہائی پوزیشن ریکوائرز دیٹ دی ٹیچرز سٹرائیو ٹو بی مور اینڈ مور ورڈی اف اٹ ہن ایڈی وڈی پوزیشن جکا ہے نا ان دے لائے وری چھا ہے تے ٹیچر کے بہترو موتبر ہون کھپے نا ایہ تا کونے کو تے تہا منا تاکہ کچھ اچے ہی نہ مورلی بھی تاکہ زیرو ہو جو ایتھیکلی بھی تاکہ زیرو ہو جو ایڈی وڈی پوزیشن تے تاکہ بھی وہی رہو ٹھیک ہے وہی حال تھی دو آئے تا اگر ٹیچرز جے کیا ہیں جے کہ معاشرے کے سوارن تا انہن کے ہی کچھ نہ اچے انہن میں اوے جے کہ ان سے مینرز ور ایتھیکل ای مورل شئی نہ ہو جن تا پو معاشرو سور جن دو کونے وہ بگڑ جن دو آئے ٹھیک ہے سو دس از واٹ کہ اساں کے ریسپانسبلٹی سمجھن کھپے تا اساں کی ایڈی وڈی ریسپانسبلٹی ہے ٹھیک ہے دس از And this a teacher's like this a teacher does by cultivating several personal and professional qualities asa me personal bhi qualities hon khapan asa me professional bhi qualities hon khapan theek hai for example agar aap insaan sutho suthi kon aya ta aap ek teacher bhi suthi kon thi sakdas theek hai basically is what we have to be a good human being اگر اسا ایک سٹھا انسان نہیں اسا میں انسانیت ہے اسا میں احساس ہے تب کو اسا جے بھی پروفیشن میں ویندا سی ان میں اسا پنجو بیسٹ ویندا سی اسا ان تے بھی کمانڈ حاصل کرے ویندا سی ٹھیک ہے تب بھائی کوالٹیز ہون کھپن یہ نہ تو تا پروفیشنل ایڈا ہائی فائی ہو جو ائی تا میں ایڈی ایگو ہو جے ایڈو روڈ ہو جو تا جو تا پنجے سٹوڈنٹس کے تا بھائیو ہی نہ تو بھائی تا کے رہو منا آو ایڈی وڈی آو ایڈی ٹیچر تا جی ائی تا کہ تو کچھ ہی کون تو اچے انہوں کے نگلیکٹ کرن انہوں کی رسپانسبلٹی نہ کرن دس از ہاؤ ایتھیکل ایشوز ہیں یہ ٹھیک ہے اڑا الائی سارا ایگزامپل اساں دے معاشرے میں آہن دس ایکسپلینز وائی پیپل ان دی ایسٹ ہیو آلویز ہیڈ ا ویری ہائی ریگارڈ فار ٹیچرز ریورنگ دیم ایز ہولی ہاں چتا ایسٹ میں جو ہے مانو جکے ہیں وہ ٹیچرز کے الہائی وڈی رتبو دیندا ہیں انہوں کے منع چند ہے تو منگڑا ہولی رتبو دین تھا وڈو تمام جنتا ٹیچرس پروفیشن ہے الائی پاک ہے الائی رتبے والوں ہے ٹھیک ہے The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. اگر تاں پنجے پروفیشن سان پیار نہ تھا کیو اگر تاں ان کے انجوائے کون تھا کیو اگر تاں ان میں سکھن نہ تھا چاہیو اپریشیٹ نہ تھا کیو پنے پروفیشن کے تپو تاں کے کھپے تاں جو ہے نا وہ چھڑے دیو تو بہتر ہے چاہیں تو مانا اگر تھی شے بالکل پڑھائی سدن کا شے پڑھائی اچھو اج بھی شے پڑھاؤ تھا تو یا تو تاج فیلڈ ہے وہ مری چکی ہے یا تو تاج دماغ مری چکو ہے ٹھیک ہے یا تو تم پان بالکل ڈیڈ باڈی واگی آ کہ تاں کچھ نیو ایکسیپٹ نتا کرنا چاہیو یا تو تاں جی فیلڈ ڈیڈ تھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سو دس از ہاؤ لوز ٹو اپریشیٹ دی پروفیشن سکھو نہیں نہیں شیم امپورٹنٹ کوالٹی آئی ہے ہی مسٹ پریفر دی ویلفیئر اینڈ پروگریس اف دی سٹوڈنٹس اینڈ کیپ دیئر انٹرسٹ ان فرسٹ پلیس انہاں جو انٹرسٹ چاہے یو دسو تا سٹوڈنٹس کیہ پڑھن تھا کیہ او چاہن تھا دی کلاس جکا ہے وہ کنڈکٹ کرن کھپے ٹھیک ہے سو دس از واٹ فرسٹ اف آل ویلفیئر سٹوڈنٹس کی لائی امپورٹنٹ ہے ہی اور شی ہیز این آ اینڈ ریسپیکٹ
for the human beings. Tika, he or she deals with since God's law inscribed upon their hearts. Tika, the teacher to speak of the wonders of nature with reverence since they have come into being by divine decree. Tika, divine decree आहे हिकड़ी तां जी इनु वडो रुतबो आहे त तां के जेके भी इन में वंडर्स आइन जेके टीचर्स जेके आइन उनन के खपे त उनन मां ता फायदो वटो एई तां उहे जेके आइन पेंजी फील्ड में यूज कयो ठीक आ दे पोंडर ओवर द स्कैड राइटिंग व्हिच टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड दे द वे टू लिव इट फुली हाने जेके राइटिंग सीक्रेट्स आइन उहे पढ़ी करे उहे असा के बुधाए सकन था त लाइफ जे जेके सीक्रेट्स आइन उहे एई लाइफ के किया सिखण खपे उनके किया गुजारण खपे उनका तरीका बुधाए सकन थी ठीक नो अदर वर्ड कुड प्लीज देम बेटर को बियो कम जको उनके प्लीज न कंदो ठीक अपार्ट फ्रॉम दीज ड्यूटीज एंड क्वालिटीज ओके अनदर नेसेसरी क्वालिटी of good teacher is thirst of knowledge hane jes tai ta ke na ikdi janai na ta ho je thirst janai ta unyay likdi ho je jade asan ke edi ikdi word wo mukhe na tho aje zehn mein ta sindhi mein asan ke kiye chawanda asi thirst mana ikdi knowledge ji ikdi ta ke ho je na janai ta asan ke mana sikhau nayi nayi shayun ai asan जो कुछ भी आए उनके हासिल क्यों सीखूं नई नई नॉलेज ठीक सो बिफोर टीचिंग अदर्स टू रीड बेन के पढ़ाने का पहले तो पान पढ़ो दे मस्ट देमसेल्व्स नो हाउ टू रीड बेन के पढ़ाने का पहले तहां के खबर होने के पढ़बो किया है ठीक है अगर तहां के पढ़ न तो अजे तो ता बेन के नथा पढ़ाए सको ठीक है द बेस्ट टीचर्स आर ऑलवेज दोज हु रिमेन स्टूडेंट्स फॉरएवर हाँ उ टीचर्स बेस्ट हूं जो स्टूडेंट्स जेके आइन ना जेके हमेशा स्टूडेंट्स रहंदा आइन रिमेन स्टूडेंट्स फॉरएवर सिखण वारी जेका एकडी हुंदी आ ना गाल हमेशा असा में होण खपे भले असा टीचर्स जो असा केडी भी लेवल ते पुजी वनेउ असा नयो शय रोज सिखंदा आ हर दिन चवंदा आ ना हर दिन असा के कुछ नयो सिखारे दिदो आ सो दिस इज हाउ टीचर हु ही सुठो आ जेको हमेशा स्टूडेंट रहे तो जेके सिखण जी चाह आ ठीक आ दे आर हंबल इनफ टू लर्न फ्रॉम एनी and everyone even those younger or less gifted than themselves theek hai ue itra humble hon khapan itri unan mein nivadta hon khape jo ko har ke ka kuch na kuch sikhi sakan unan ka je ko unan ka nanda hain ya maybe jeke unan ke lage to mana hi unan ke itro kuch natho aje asan ke vadhika to je mana less gifted chanda hain asi ume maro jin mein itri qabiliyat na ho je par ue maro bas कुछ ना कुछ सिखा सकन था ना सो इो समझण तो भाई आउं टीचर आया मुख्य हर शय थी अचे मुख्य नंढो न तो सिखारे सके जो बो है जैसे एतरी डिग्रीज में भी न होजन या एतरो न पढ़ो जो न तो सिखारे सके सो दैट्स रॉन्ग मानू पेंजे एक्सपीरियंस सा ताके एडो कुछ सिखारे सकन था पेंजी लाइफ का एडो कुछ ताके सिखारे सकन था जेको बुद्धी करे असन वात बिल्कुल पटजी विंदो है चाहो सिंधी में ठेठ सिंधी में माने मानू जो स्टोरीज करे करे एडो जो है ना जो बुद्धी करे असन वात ही पटजी विंदो है त यो माना इन जो भले इन डिग्रीज को डिग्री एक पेपर है पीस ऑफ पेपर है इफ दे डोंट हैव डिग्री बट दे हैव दैट सच ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज तो बेहतर है दिस इज वाई दे ड्रिंक डीपली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ट्रुथ ब्यूटी एंड गॉडनेस ठीक ओके अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट ही शी इज ही और शी नॉट ओनली स्ट्राइव टू नो व्हाट इज ट्रू good and beautiful but also seeks to incorporate these in life hane hi tamam ghano vado passage aahe par jes tai passage na padhanda si tes tai sange samjha mein na indo to questions ja exercises kiya karu ma theek hai mukhe kedi kedi wal feel the to ta mata bore thi winda hojo ta hane edo vado passage thi miss pade par passage book mein dinal aaye that's not my issue book mein dinal aaye ta sange wo karno ma theek hai okay so they practice what they preach wo practice karna hai jin ji hu cha karna hai sara karna hai after the examples of the prophet of god who taught by the words in the holy book as well as by his deeds in every day hai paanch sabhuran jo the example dinal aaye to allah jo pyaro nabi hai wo like hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam name mention kone but we can relate theek hai अल्लाह जो मोकिल लफ्ज हुआ वही हुई कुरान शरीफ जो हुए पढ़ी तो बुधायो पर असल भी कर दिखारे ठीक है लफ्ज जो अमल का सवा बिल्कुल खाली है
अगर तव्हां वॾा वॾा ॾाढ़ूं खणो था, वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं कयो था ऐं तव्हांजो अमल ज़ीरो आहे, त पोइ उन्हनि ॾाढ़ुनि जी या ॻाल्हियुनि जी को फ़र्क़ु कोन थो पवे. ठीकु आहे, तव्हांजो अमल जेको तव्हांजो लफ़्ज़ आहे न, उहो वात मां कढण खां पहिरियां ई तव्हांजो अमल ॿुधाए त हीअ जेका शइ आहे उहा सही आहे या ग़लति. ठीकु आहे, सो डीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बट डीड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स. ठीकु आहे, ओके. हाणे दिस वॉज द फर्स्ट प्रोफेशन जेको असां ॻाल्हायो, टीचिंग जे बारे में ॻाल्हायोसीं. ठीकु आहे, हाणे फिशिंग जेका आहे दैट इज़ द सेकेंड प्रोफेशन, हुन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं. देन वी हैव क्वेश्चन. ठीकु आहे, अबाउट 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वॉटर, इट्स इंफॉर्मेशन. जेको 3/4 आहे पार्ट ज़मीन जो, अर्थ जो, उहो पाणी सां कवर थियल आहे, असांखे ख़बर आहे इहा. द रिवर्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशिस. हाणे फिशिस अगेन ॾिसो, प्लूरल्स जॾहिं तव्हांखे असां पढ़ाया हुया, तव्हांखे ॿुधायो हुयोसीं त फिश जो जेको प्लूरल हूंदो आहे उहो बि फिश ई हूंदो आहे. ठीकु आहे, हिते फिशिस लिखियल आहे. सम केसिस में बि यू कैन यूज़ इट, बट जेका इंग्लिश में हाणे मॉडर्नाइज असां जॾहिं कयूं त फिश जो प्लूरल फिश ई थींदो, फिशिस न थींदो. ठीकु आहे, त ईअं तव्हां बुक मां मिस्टेक्स बि आइडेंटिफाई करे सघो था अगरि तव्हांखे इंफॉर्मेशन आहे, ख़बर आहे कंहिं ॻाल्हि जी. ठीकु आहे, दीस फिशिस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड, असांजे खाधे जो वॾो इम्पॉर्टेंट सोर्स आहिनि फिश. मिलियंस ऑफ पीपल आर इंगेज इन कैचिंग फिश, इलाही सारा माण्हू जेके आहिनि, मिलियंस ऑफ पीपल, हज़ारे तादाद में जेके माण्हू आहिनि, उहे फिशिंग जेको आहे हुनजो प्रोफेशन आहे, उहे कैच कंदा आहिनि फिशिस. ठीकु आहे, पकड़ींदा आहिनि मच्छू. दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लॉरिशिंग ट्रेड. हाणे चवनि था त फिशिंग जेका आहे उहा सिर्फ़ु हिकु हॉबी कान्हे का. घणा माण्हू ईंदा आहिनि जेके फिशिंग कंदा आहिनि, मूवीज़ में असां ॾिसंदा आहियूं त भई फिशिंग लाइ पिया वञूं, वॾे सां हॉबी आहे तव्हांजी. केर जेके आहिनि से उहे ट्रैकिंग जे लाइ पिया वञनि, के जेको आहे सो क्लाइंबिंग लाइ पिया वञनि, के फिशिंग लाइ पिया वञनि. ठीकु आहे, सो फिशिंग इज़ अ हॉबी एट अ पार्ट, बट हियर इट सेज़ दैट अपार्ट फ्रॉम हॉबी फिशिंग इज़ अ बिग ऑक्यूपेशन. ठीकु आहे, ऐं हिकु फ्लॉरिशिंग ट्रेड आहे जेका इलाही ॾींहं ॾींहुं वधंदी थी वञे, ऐं असां हुनखे ॿाहिरि एक्सपोर्ट बि कयूं था. फिशिस जेके, फिश जेके आहिनि, द फिशरमैन समटाइम्स वर्क इंडिविजुअली इन देयर स्मॉल बोट्स एंड समटाइम्स वर्क टुगेदर ऑन अ लार्ज बोट्स विद मशीनरी नीडेड टू कैच फिश फ्रॉम डीप वॉटर. हाणे चवनि था त कॾहिं कॾहिं इंडिविजुअली बि जेके आहिनि उहे वेंदा आहिनि, जेके मछेरा आहिनि असां चऊं, उहे इंडिविजुअली पंहिंजी नंढनि नंढनि बोट्स ते वेंदा आहिनि ऐं मच्छियूं कैच करे ईंदा आहिनि. ठीकु आहे, जेके अचे चऊं त नंढी लेवल ते जेके कनि था कमु जेके आहिनि असांजा फिशरमैन, त उहे वेंदा आहिनि ऐं पोइ उहे वरी सेल कंदा आहिनि, लोकली सेल कंदा आहिनि फिशिज में. ठीकु आहे, वरी चइजे त एट द सेम टाइम कुझु वरी अहिड़ियूं वॾियूं वॾियूं बोट्स हूंदियूं आहिनि जिन में मशीन्स लॻल हूंदियूं आहिनि, जिन जे थ्रू जेके आहिनि से फिश जेके आहिनि उहे कैच कयूं वेंदियूं आहिनि ऐं उहे वरी एक्सपोर्ट थींदियूं आहिनि, वॾे लेवल ते उहो कमु थींदो आहे. ठीकु आहे, सो इंडिविजुअली समवन कैन डू इट, ऑन द बिगर लेवल दे कैन डू इट सेम टाइम. ठीकु आहे, दे स्टे एट सी फॉर डेज एंड इवन वीक्स एंड रिटर्न विद टन्स ऑफ फिश. हाणे चवनि था त इन्हनि खे जेको आहे ईअं कान्हे त बसि असां जेको आहे सो समुंड में वियासीं, किनारे ते असांखे अहिड़ियूं सारियूं मच्छियूं मिली वेंदियूं, ईअं कोन हूंदो आहे. किनारे ते कुझु बि न मिलंदो जेसि ताईं तव्हां डीप सी में न वञो, अॻियां ताईं न वञो. त चवनि था त तव्हांखे उते माना हिननि खे जेके फिशरमैन आहिनि उन्हनि खे डेज बि लॻी वेंदा आहिनि, इवन वीक्स लॻी वेंदा आहिनि वापसि ईंदे ईंदे, ऐं पोइ वापसि ईंदा आहिनि त टन्स ऑफ फिशिस हुननि वटि हूंदियूं आहिनि, टन्स ऑफ फिश हूंदियूं आहिनि हुन वटि. दीस शिप्स हैव प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर स्टोरिंग द फिश सो दैट कैच इज नॉट स्पॉइल बिफोर रीचिंग द मार्केट. हाणे चवनि था त हिननि वटि इलाही सारियूं वॾा वॾा जेके हूंदा आहिनि न स्टोर करण जे लाइ शयूं हूंदियूं आहिनि, त जीअं जॾहिं हू जेसिताईं वापसि अचनि, वीक्स ताईं वापसि ईंदा त मच्छी ख़राब थी सघे थी. ज़ारा हिकु दफ़ा पकड़जी पई, पाणीअ मां हुन खां असां ॿाहिरि कढियो ऐं ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे हुनखे स्टोर कयोसीं त ख़राब बि थी सघे थी, बट दे हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स हुननि वटि हूंदा आहिनि जो हुनखे स्टोर करे सघनि ऐं मार्केट ताईं पुॼंदे पुॼंदे उहा मच्छी जेका हूंदी आहे उहा ज़िंदा बि हूंदी आहे ऐं उहा प्रॉपरली असां वटि पुॼी सघंदी आहे. ठीकु आहे, ओके. The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland or water fishing. ठीक है, inland मतलब जॾहिं असां खॾूं ठाहे करे फिशिस कंदा आहियूं, इहो वरी कारोबार आहे. खॾूं ठाहींदा आहियूं पाण हथरादू, उन में फिशिस जेके फिश जेका हूंदी आहे उनजो असां कारोबार कंदा आहियूं. ठीकु आहे, ऐं फ्रेश वॉटर जूं बि हूंदियूं आहिनि जेके दरियाउनि मां फिशूं मिलनि, मच्छियूं मिलंदियूं आहिनि, सी समुंड मां मिलंदियूं आहिनि. ठीकु आहे, सो दिस इज़ हाउ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ फिशिंग. Fishermen fisher fresh water fish are caught from rivers, streams, canals, lakes and ponds. jeke fresh water mein jaisa chau pallo chau
त पलो असांजो जेको आहे उहो असांखे सिंध जेको आहे रिवर आहे इंडस रिवर आहे उन मां ई असांखे मिले थो ऐं उतां असांखे अहिड़ियूं मच्छियूं मिलनि थियूं जेके मिठियूं हूंदियूं आहिनि चऊं न समुंड जी जेका मच्छी हूंदी आहे उहा खारी हूंदी आहे इलाही बाक़ी जेको फ्रेश वॉटर जी जेका मच्छी हूंदी आहे उहा एॾी खारी नाहे हूंदी सो फ्रेश वॉटर खां जेके जेके मच्छियूं मिलंदियूं उहे किथां किथां मिलंदियूं उहे रिवर्स मां स्ट्रीम्स मां कैनाल्स लेक्स एंड पॉन्ड्स मां ठीकु आहे दिस इज़ डन विथ नेट और वेरियस साइज इलाही वॾियूं वॾियूं नेट्स हूंदियूं डिफरेंट साइज़ जूं उन्हनि मां कैच थी सघंदियूं आहिनि दीज फिश फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट एट ऑल बोट्स जी हुनखे ज़रूरत न हूंदी उन ते बीह करे ई दरिया चई जेको आहे किनारे ते ॼार विझंदा आहिनि उतां ई मच्छियूं पकिड़े वठंदा आहिनि द फिश कॉट फ्रॉम फ्रेश वॉटर आर यूजली स्मॉल बट टेस्टियर इलाही टेस्टी हूंदी आहिनि दरिया जी मच्छी चवंदा आहिनि सिंध जा माण्हू घणो करे दरिया जी मच्छी खाईंदा आहियूं असीं समुंड जी मच्छी नयूं खाईंदा ऐं असांखे वणंदी बि दरिया जी आहे पलो आहे या ॿियूं जेके काइम्स आहिनि मच्छियूं मच्छियुनि जूं जेके असांखे पंहिंजे दरिया मां मिलनि थियूं उहे वधीक टेस्टी हूंदियूं आहिनि नंढियूं हूंदियूं आहिनि नंढी मच्छी जेका हूंदी आहे न उन में टेस्ट घणो हूंदो आहे चवंदा आहिनि ॿुधो आहे हाणे दे आर सोल्ड लोकली एज़ वेल एज़ सेंट टू द नियर बाय टाउन्स नियर बाय टाउन्स ताईं बि वञी सेल थींदियूं आहिनि मरीन फिशिंग इज़ डन इन द अरेबियन सी अलोंग द कोस्ट हाणे मरीन जेका फिशिंग आहे उहा अरेबियन सी में थींदी आहे एंड फिशिंग सीज़न बोट्स ऑफ ऑल साइज़ गो आउट फेस द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिश ठीकु आहे फिशिंग सीज़न जेको हूंदो आहे उन में वेंदा आहिनि बोट्स खणी करे वॾा वॾा जहाज हूंदा आहिनि बोट्स हूंदियूं आहिनि इलाही डेंजरस हूंदो आहे पर उहे मच्छियूं जेके आहिनि से छा करे ईंदा आहिनि कैच करे ईंदा आहिनि समटाइम्स द वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वॉर्निंग कॾहिं कॾहिं समुंड जो जेको आहे उहो वेदर इलाही ख़राब थी वेंदो आहे अचानक तूफ़ान अची वेंदो आहे न्यूज़ में ॿुधंदा आहियूं न असीं त भई एतिरा सारा जेको आहे सुनामी अची वियो आहे या अरेबियन सी में जेको सी लेवल आहे उहो वधी वियो आहे थोरो ऐं उते तूफ़ान अची वियो आहे पर कुझु जेके आहिनि से जहाज़ वियल आहिनि मछेरा वियल आहिनि जेके लोकल ई वञनि था त उन्हनि जूं बोट्स कुझु जेके आहिनि उहे उते फासी पयूं आहिनि त पोइ उन्हनि खे रेस्क्यू बि कंदा आहिनि ठीकु आहे सो वेदर कहिड़े वक़्त बि ख़राब थी सघे थो दीस बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ द स्टॉर्म अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस ऐं पोइ समुंड जे रहमो करम ते मछेरा रहिजी वेंदा आहिनि ऐं पोइ बिल्कुलु हेल्पलेस हुननि जो जॾहिं समुंड पंहिंजे हुन ते ईंदो आहे छा चऊं असीं माना पंहिंजीअ ते जॾहिं अची वञे केरु ईअं चवंदा आहियूं न त समुंड बि जॾहिं पंहिंजीअ ते अची वञे त पोइ उनजे साम्हूं जेके इंसान आहिनि या जेके माना फिशरमैन आहिनि उहे बिल्कुलु हेल्पलेस थी वेंदा आहिनि दे कैन नॉट डू एनीथिंग ठीकु आहे देन द गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग कीन इंट्रस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइज़िंग द फिश इंडस्ट्री फिशरमैन आर गिवन लोन्स टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स और ट्रॉलर्स सो दैट दे कैन गो फर्दर फ्रॉम the shore and fish in deeper water and government jeko hai na te ilai kam kare rahi hai unke loans de rahe hain je better and bigger jeke boats nu kare sakan and jeko hi fishing jo jeko aahe occupation wo anya vadhe fishing nets of good quality are being made available at low prices tika low prices te milan thi net pe tawati sako tha jeke professional karan chahin tha fish harbors and fish markets are being set up जेके फिश मार्केट्स एंड वेब हाणे अवेलेबल आहिनि वेदर सिचुएशन हैव बीन बिल्ड अलोंग द कोस्ट एंड ऑफ शोर आइलैंड ऑफ शोर आइलैंड इट मीन्स जेको आइलैंड खे वेझो समुंड खे वेझी जेका जाइ हूंदी आहे न उनखे असां चवंदा आहियूं त ऑफ शोर इट मीन्स ऑफ शोर आइलैंड हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल मनोड़ो जेको आहे उहो ऑफ शोर आइलैंड आहे टू वॉन द फिशिंग बोट्स ऑफ स्टॉम उनखे स्टॉम जे बारे में ॿुधाइण जे लाइ तूफ़ान अचे पियो न पियो अचे वेदर जी कंडीशन Some boats are now also fitted with wireless receivers. A fisheries training institute and fisheries technological laboratory have also been established at Karachi. Theek hai, Karachi mein established kiya hai ek. Several byproducts are obtained from fish. Ilai sara bya products. Byproduct mean ek shema bya jade milk ja byproducts keda keda hain dahi aahe. Beo cha chaun asa मिल्क जा बि इलाही सारा बाई प्रोडक्ट आहिनि मखण आहे उन मां निकिरे थो मखण उन खां अलावा गिह वग़ैरह निकिरंदो आहे मखण मां जे कढूं असीं दही ठहंदी आहे सो इहे बाई प्रोडक्ट आहिनि माना हिकु शइ मां ॿियूं शयूं ठहनि उनखे बाई प्रोडक्ट चइबो आहे ठीकु आहे देन सेवरल बाई प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फिश फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लू मेन्योर एंड लिवर ऑयल फिशिंग इज one of our most important industries but chemical waste and oil thrown in the rivers and the sea are causing damage to the fresh water and marine life
हाँ जो इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स निकर था उनको समुंड जो पानी है जो दरिया जो पानी वो खराब थी रो है इन इंडस्ट्री जो फिश इंडस्ट्री है वह भी इलाही नुकसान में पी वे। ठीक है ओके सो फाइनली खत्म थो कॉम्प्रीहेंशन इलाही वो हो आई नो पर जो है सो हाँ क्वेश्चन आंसर्स दिसूँ था। ओके सो क्वेश्चन नंबर वन आखून कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड खानदान which means to read ahun means ahun ji cha meaning hai bilkul easy hai ilahi easy hai ahun ji cha meaning hai a reader b student c teacher d learner what is the meaning of ahun hurry up guys and jaldi jaldi samke answers kyo ta ji apo vari agya halau pana okay sadia chahi thi question number 1 is c theek hai aslam c roshni c theek hai रब नवाज चाहे तो टीचर ओके नरेश सी मिनाहिल सी उनका अलावा शमन अली चाहे तो ए सुंदस टीचर अल्ताफ सी ठीक है मारवी क्वेश्चन नंबर वन इज सी ओके ठीक है ऊँ था आंसर है तक पढ़ा चुको है चुकी है बिल्कुल ईजी बार आना चाहूँ ना बार आना सवाल आई हो ओके टीचर आबिद चाहे तो टीचर अमजद टीचर प्रिंस फराज टीचर ए के सी टीका जमीला ओके लेट्स मूव ऑन गाइस दिस वन अच्छा है ओके सो दोज हु सेड सी टीचर दे आर राइट आखून जी मीनिंग है टीचर ठीक है ओके वेरी वेल डन लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेवलेशन इन कुरान इज कहड़ो रेवलेशन जो पहले वर्ड हुए कुरान जो रेवलेशन वही के जाता वो कहड़ो हुयो रीड हुयो राइट हुयो स्ट्राइव हुयो या वर्क हुयो व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड रेवलेशन जो फर्स्ट वर्ड हुयो कुरान जो वो कहड़ो हुयो रीड हुयो राइट हुयो स्ट्राइव हुयो वर्क हुयो क्वेश्चन नंबर 2 सादिया चाहे थी ए रोशनी ए मारवी ए संदस ए असलम चाहे तो ए ओके रबनवास रीड हिना अली रीड अगेन शमन अली ए ठीक है सुंदस रीड अल्ताफ ए मिनाहिल ए रबनवाज ए अमजद टू रीड ओके दानियाल ए आबिद फे तो ए मुराद ए ओके सो एवरीबडी इज सेइंग ए दैट्स वेरी वेरी इजी लेट्स मूव ऑन ठीक है सो दैट इज द राइट आंसर गाइस द फर्स्ट वर्ड ऑफ रेवलेशन इन द कुरान इज टू रीड इकरा ठीक है इकरा जो वर्ड है ना जी मीनिंग इंग्लिश में है टू रीड ठीक है ओके नाउ लुक एट दिस And the first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the what work reading writing profession pehri pehri jaga quality teachers ji ahe wa kehdi ahe is that he or she loves and appreciates the what work reading writing profession what okay so question number 3 sadia chahiye thi d okay wakar hussain a i don't know acha ta question jo na ta agar number likhi chadanda ho to mukhe aasani thindi unke padhne mein if you are not writing question number to mukhe samajh mein na to je kehde question ji ta jawab do tha ka theek hai wakar okay jameela said d sandas d shaman again d roshni d hina ta chahiye d altaf hussain d rabnawaz c rabnawaz chahiye to writing is the first profession oh sorry appreciate writing karna kapi disam tha faizan d mohammad aslam d sara d mohammad bachal ta kuch dilo hi na hai jawab prince chaito prince faraz chaito d okay minahil d everybody is saying d marvi rabnawaz abdullah aftab okay so guys everyone is saying d let's move on disam tha the answer hai na jo okay so those who said d profession that is the right answer the first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession sa jaisi pyar na hundo asa bhi kuch na kar sakna si theek hai okay another necessary quality of good teachers is a dash for knowledge chahe search for knowledge ahe desire for knowledge ahe love for knowledge ahe or thirst for knowledge ahe what do we have as a teacher what is the basic and necessary quality of a good teacher we should have what search for knowledge we should desire for knowledge love for the knowledge or thirst for the knowledge theek hai
four is D, Tika, Sadia Chaiti D, Urusa D, Abdul Hai Chaito D, Tika, question number four, Tika, Naresh D, Roshni D, Marvi D, Amjad Search, Acha Search to Chave Amjad, Tika, let's see, Mahadasam Chaito, it's C. अच्छा असल जो है तो सी ओके लेट्स सी दिस हम तक मुझे लगे तो ता दिस सही तरह सा कॉम्प्रिहेंशन ना है बट ओके रब नवाज है तो थर्स्ट है ठीक है जमीला डी शमन अगेन डी दानियाल डी हां ये असलम वरी सही जवाब दे चले है ठीक है बाबा पे रहे बुदा चले ता के ओके सो एवरीवन इज सेम डी 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 सफिया चाहती ए ओके लेट्स सी गाइस व्हाट्स व्हाट्स द राइट आंसर असा पढ़े हुए जी मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया पी तो मतलब इन वर्ड की जगह सिंधी में मुझे मीनिंग न पी अचे तक बुधाण सो थर्स्ट जहाँ है उन एकड़ी जगह है नॉलेज की असके हुए अगे स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड इन सिंधी के थर्स्ट जो वर्ड हों वो एग्जैक्टली यूज एज पर द कॉन्टेक्स्ट ठीक है सो वहाँ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके so fine now look at this fill in the blanks with suitable words from the list given below and he words are in kuch picture kadi vato in words ji ehe je ke words are het kuch hane next slide te aao blanks ta ke dikharinda ehe book mein exercises hai theek hai so these are some words that you have to put in the blanks that I'm going to show you on the next slide and tasty byproduct reservoir carefully hobby offshore modernizing ठीक है modernizing offshore hobby carefully reservoir byproduct and tasty these are the words that you have to put in the coming blanks ठीक है okay so these are the blanks guys hurry up ये words जेके हुए वे words ताके हिन्न blanks में seven blanks में ताके put करना है अच्छा प्यासो वकार जे तो थर्स्टी मीनिंग है प्यासो यो वर्ड तो के अच्छे पियो पर हन कॉन्टेक्स्ट में यो वर्ड जको है ना टीचर्स जे लाइ सूटेबल कोने को हन जे लाइ कुछ बयो वर्ड होन खपे ना ओके सो ही ता दिसो वर्ड्स टेस्टी बाय प्रोडक्ट रिजर्वियर केयरफुली हॉबी ऑफशोर एंड मॉडर्नाइजिंग ठीक है दीस आर वर्ड्स दैट यू हैव टू पुट इन द ब्लैंक्स हन ते दिसो ब्लैंक्स आर इन द टीचर एग्जामिन ईच स्टूडेंट डैश River Indus is an important dash of water for irrigation. Stamp collecting is a good dash. Lunch was very dash. They are dash. They are mill by importing new machinery. Manora is an dash island. Coal tar is a dash of petrol. ठीक है अरे जल्दी सा बताओ ओके अच्छी गया आंसर सुंदर चैती फर्स्ट वन इज केयरफुली ओके अगेन अच्छा अमजद चाहे तो केयरफुली ठीक है सुंदर भी केयरफुली चाहे ओके पर नंबर दींदो तो मुझे आसानी थी अमजद अगेन यू हैव लाइक रिटन ओनली द वर्ड वर्ड्स अगर नंबर हणंदो तो दैट विल बी इजी फॉर मी ठीक है अमजद चाहे तो वन इज बाय प्रोडक्ट ओके सुंदर थ्री इज हॉबी आफ्ताब चाहे तो केयरफुली वन Rab Nawaz four is tasty. Okay, Sundas again four is lunch. Lunch word na hoye humke lage to Sundas list jagah mana ke pehle likha riya hai. Okay, Jamila one is carefully. Minahil reservoir. Thika two number two. Rab Nawaz six is offshore. Okay, Manora is an offshore island. Thika. उन्हें खां पो अमजद four is tasty. Mohammad Aslam je to one is carefully. Two is reservoir. Thika. सादिया आलम के बिल्कुल सही आंसर्स किया है जब तक मुझे ये आंसर करना तो डाडी खुशी थी है पढ़ा में बासा नहीं थी है ते यू हैव अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग समथिंग ठीक है दिस इज व्हाट कि कुछ स्टूडेंट्स अराउंड है ना जेके आसानी करना टीचर्स इला को उन के वणदा बंदा का ना फेवरेट थी है सो दिस इज हाउ मुझे लगे तो एडा ये क्लासेस नवा थी तो ताकि कुछ रूल्स जेके ना मेरी क्लास का विसरी गया है तो पहली नंबर तो नंबर जरूर हणो जो भी क्वेश्चन है नंबर हट कर आंसर दो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकग्निशन जे लाए ये गलि ताने टेस्ट में भी लाई कमी ठीक है एंड इफ यू आर राइटिंग लाइक आंसर देन राइट इट इन अ प्रॉपर वे अदर लिखो भली पर अगर को लिखो ज्यादा खैर है को मसलो कोने दैट्स नॉट द प्रॉब्लम ओके सादिया चाहती वन इज केयरफुली टू इज रिजर्वियर थ्री इज हॉबी फोर इज टेस्टी फाइव इज मॉडर्नाइजिंग सिक्स इज ऑफशोर सेवन इज बाय प्रोडक्ट ओके मोहम्मद असलम थ्री इज हॉबी सारा चाहिए थी वन इज केयरफुली देन टू इज रिजर्वियर रोशनी सफिया
tasty, that's four. Amjad 3 is hobby. Jamila 3 is product. Four is tasty. Minahil, Tika, okay. Roshni 3 is hobby, reserve. Amjad, Rabnawaz, Tika, okay. Dania, aaj ka unhe bhi answer de chuka hai. One is carefully, two is reserve. Hobby 3, tasty 4, Tika hai. Naresh Kumar hai, to one is carefully, two is. Itha ja rahe hai. Offshore likhi hai cha. I don't know what you have written in number 2. Three is hobby, four is tasty, five is modernizing, six is byproduct, and seven is reserve. Theek hai. Okay, so let's go, guys. Disan da acha hai. Answers taan da achi vya hai. Haan taage thodo idea thi vya hundo. Haan taage dekha rahe hai kada answers hain. Okay, first one. The teacher examined each student carefully. River Indus is an important reservoir of reservoir means jame zakhiro kayo mane theek hai zakhiro karan wali jaye of water for irrigation irrigation je lai zaraat je lai jeko ahe river indus je kahe wo ahe ke zakhiro karan je lai suthi ahe river ahe stamp collecting is a good hobby stamp collecting chai it's a hobby the lunch was very tasty lunch je koyo very tasty and friday hai na har ke je kara je very like tasty tasty lunch chai hundo biryani chai hundi ke je ken se like tasty dishes chai so lunch was very tasty today theek hai they are modernizing their mill by importing new machinery and modernize kan pya new machines aane kare penji mill je ka hai unake modernize Manora is an offshore island. Offshore, it means ke island samdas ke vejo aaye, offshore aaye, theek hai? Coal tar is byproduct of petrol. Byproduct aaye, petrol mathan darshi hai, theek hai? So this is how, these were the words, their meanings and how to put them in some blanks, theek hai? Okay, hane change into active voice. And he jeko hoyo kalma taage active passive padhaye hoyo so this was the best exercise that I found in the same comprehension ke kuch sentences taage passive ja milna hai in a sentences ke taage active mein change karna kala asa ghano kala cha kayo hoyo active ke passive mein change kar rahi hu na asa passive ke active mein change kon kare hoyo so today what we are going to do he kuch sentences milna hai in a sang gane kuch clues bhi milna hai so read these sentences carefully and Change them into active voice. Passive में देना लाने, active में change क्यों? ठीक है, hurry up everyone, जल्दी सा इसको पढ़ो, इनके active में change क्यों? For example, fish, fresh water fish are caught from rivers. इन्हें जो किया थी दो, active voice किया थी दो इन्हें जो, हाँ ने जो को object subject हो दो वो object थी भी दो, ठीक है? जैसे सा active voice में change करना हूँ, passive में object जो होना है वो बिल्कुल powerful होता है, पर active में subject powerful होता है, ठीक है? So you have to change it. This is done with nets and various sizes. Begin with day. And in days are you shuru thi dava. Taan kehte in a link day shuru hai kro signal day shuru hai. The sentence jo shuru thi na wo day sa shuru thi to I po na kita construct kyo. Theek hai? Three fresh water fish are considered more tasty. Begin with people. Theek hai? People sa shuru thi do your sentence number 3 theek hai they are sold locally as well as sent to nearby towns begin with fishermen fishermen sa hi sentence shuru thi do theek hai so they have given you clues ta ke nan dai chadya hai easy kare chalyo tan ilai ta shuru kiya thi do sentence shuru karan mein na ilai mushkil thi ja kade kade so they have given clues here number 5 fishermen have been given loans to buy bigger and better boats Begin with government. The government. The government sa yung sentence shuru thi do. Number 5. Number 4. Fishermen sa shuru thi do. Number 3. People sa shuru thi do. Number 2. Day sa shuru thi do. And fishermen varo jang first ay wot apaan change kiyo. Okay. Haan answers jaldi jaldi mo kheriyo change kare. Ta jiya aung ye panandhi manya ay kupar aagya move kayo. Okay. Amjad dinno ahe. Fresh water fish catch from river. ना इन्हें कि ताकि एक्टिव में चेंज करना तां सेम सेंटेंस लिखी चली हुआ है हम जब तां सेम सेंटेंस लिखी चली हुआ है आऊं चमांती ही पैसिव में देने लाये इन्हें के एक्टिव में चेंज क्यों इन्हें सेंटेंसेस के एक्टिव में चेंज क्यों ठीक है ओके असलम लिखने वाले जवाब फिशेस आर कॉट फ्रॉम फ्रेश वाटर रिवर्स ओके दिसाऊं का ताने जवाब असलम ओके मूव ऑन आने जल्दी से आप यार सेंटेंसेस भी ठाए हुए उनके सेंड क्यों answer fresh water fish caught from rivers is still like you are having the same mistake I'm saying you have to change these sentences in active voice
change into active voice, it means ki they are in passive, theek hai, and you have to change them into active voice. Okay. Okay, Sadia jawab dena chahti, fresh water, acha, fisherman number one catches fresh water fish from river. Okay, Sindhi, acha, Sindhi chokri. Nala na jaye, hum maze jaye. Hane sa sab Sindhi chokri, wo si sab Sindhi likham, Sindhi chokri. That is a choice, okay. No, nothing to say. Number one, from river fresh water fishes are caught. Thika, Naresh chahe to, they catch number one. Fish, fresh water fishes from river. Okay. Shaman Nil said, fresh water fish catch from river. Minahil, fish are caught fresh water from river. Achha. Theek hai. Aftab said, they catch fresh water fish from rivers. Theek hai. Sundas, from river fresh water fishes are caught. Achha, theek hai. Naresh, they does it with nets and various sizes. Okay, they does it with okay, let's see. Disanta, jaldi jaldi answers kyo everyone, because yaad ta jaldi jaldi sa answers kyo yaar ke 1 2 3 4 dinda vanu ikka te stuck nahi vanu ji amja number 1 dinu the very beda vanu var vanu da hai tree the number vanu da hai then this is not the way pehre obda hai na unne kechade jo agar mistake hundi ta sikhi vinda si number 2 diso vari vari unne mein agar mistake aaye kaala kaane ka number 3 diso theek hai so this is how you can do it. Okay, Sadia chahti number 3 is people consider fresh water fish more tasty. Acha, Asif Ali, fresh fisherman catches fresh water fisherman ka fresh water catch acha ye wali nahi hai jab aisa machhi na pakdinda hai pani ke pakdinda hai pani ke pakdi jaanda theek hai. Sindhi Chokri again, people consider fresh water fishes more tasty. Theek hai Jamila, fishermen catch the fishes from river. Naresh Kumar, people consider fresh water fish more tasty. Ma'am, my name is Dua. Acha, theek hai, tanwa Dua. Okay, fine. Theek hai, aane wala answers the list ho ke 4 and 5 ke naam batayo wana tai 4 and 5 wana tai ke ke bhi naam batayo agar ke batae to jaldi sa ko asa move kyu. मुझे लगे तो तुम एक्टिव पैसिव जे लाई कम करनो पतो कल जो लेक्चर वरी का बुदो एक दफा को ता जो कुछ ता के को सुधार ता में अच्छी सकंदो बाकी सेंटेंस ता मसाला वाई है ता जी. Sadia Jethi, fishermen sell locally as well as to nearby towns. Okay. Sundas, they done with the nets of various sizes. Okay. ठीक है. अरे मुके 4 ए 5 बुदा जल्दी तब मूव के आ गया दिसा के करे तो वने ने के सब चुप करे वही रहे चुपड़ी करे. ओके हेलो बड़ा मूव के उता ताई बुदाया थी. अच्छा स्क्रीन विजिबल कोने का स्क्रीन तो बिल्कुल विजिबल है मां मेरे फोन में भी दिसा दी मेरी गड़गड़ फोन में आने पड़ी ताई बुदाया थी. फिशरमैन फॉर फिश fresh water fish are caught from rivers. Number 2, this is done with nets of various sizes. Number 3, fresh water fish are considered more tasty. Number 4, they are sold locally as well as sent to nearby towns. 5, fishermen have been given loans to buy bigger and better boats. And iyo ta na no ta je ko so sang dasan ko to je निसर सब तो जे मोड मुझे मोबाइल ता स्क्रीन के साफ के मोबाइल यूज करे करे हथणी करे खराब करे चले बस लो. ओके नरेश चाहे तो 4 फिशरमैन सेल लोकली एज वेल सेंड लोकल टाउन्स. अच्छा सादिया, द गवर्नमेंट गिव लोन्स टू फिशरमैन टू बाय. अच्छा रबदमास नंबर 5, द गवर्नमेंट हैव गिवन लोन्स टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स. ठीक है ओके मूव ऑन दिसो दाने. Number 1, fresh water fish are caught from rivers. पैसिव वॉइस आ एक्टिव में किया थिंदो दे कैच fresh water fish from river. ठीक है begin with they catch fresh water fish from river. they सा शुरू थियो यो. ठीक है number 2, this is done with nets of various sizes. passive voice सा active किया थी दो they do this with nets of various sizes. active voice थी बोलो begin with they. ठीक है number 3,
फ्रेश वॉटर फिश आर कंसिडर्ड मोर टेस्टी. इहो पैसिव आहे. एक्टिव कीअं थी वियो? पीपल कंसिडर फ्रेश वॉटर फिश मोर टेस्टी. दैट विल बी एक्टिव वॉइस. ठीकु आहे, बिगिन विथ पीपल. हाणे तव्हां आंसर्स ॾिसंदा हलो त तव्हांजा जेके आहिनि उहे जेके सेंटेंसिस तव्हां ठाहिया आहिनि हुनमें कहिड़ियूं मिस्टेक्स हुयूं या हुननि खे कीअं वरी पैसिव मां एक्टिव थो कजो. ठीकु आहे, नंबर फोर, दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंट टू नियर बाय टाउन्स. इहो पैसिव आहे. हाणे कीअं थी वियो एक्टिव? Fishermen sell them locally as well as send them to nearby towns. ठीक आहे, इहे सेंटेंसिस जेके आहिनि पैसिव में ॾिनल, इहे एक्टिव में कॉम्प्रिहेंशन में ज़रूरु हूंदा आहिनि. ठीकु आहे, अगरि तव्हांखे थोरो अकुलु हुजे त तव्हां टेक्स्ट खे हिकदमि सां ॾिसी वठो आहे, उन मां तव्हांखे आइडियो मिली वञे. ठीकु आहे, सो दीज़ आर द ट्रिक्स के तव्हां यूज़ करे सघो था. अगरि अहिड़ो को सेंटेंस अची थो वञे त तव्हां टेक्स्ट ॾांहुं फॉरन मूव कजो त अहिड़ो को सेंटेंस ॾिनल आहे त उते बि तव्हांखे एक्टिव वॉइस हुनमें मिली वेंदो. छो जो राइटिंग में असां एक्टिव वॉइस घणो कंदा आहियूं प्रिफर, तव्हांखे मां ॿुधायो त पैसिव जेको आहे उहो कुझु कुझु सेंस में यूज़ थींदो आहे. Number 5, fishermen have been given loans to buy bigger and better boats. Yo passive hai, active mein kya thindo? The government has given loans to fishermen to buy bigger and better boats. Theek hai, so this is how to change passive into active. Theek hai, now move on. Put the verbs in the parentheses into the correct tenses. Tenses taanke padhaya hai nasa? He kuch parentheses mein brackets mein jake dinan ahin verbs. उन्हनि सां तव्हांखे कुझु ऑक्सिलरीज़ हणी करे, हेल्पिंग वर्ब्स हणी करे, उन्हनि जा टेंसिस ॿुधाए करे उन्हनि खे सेट करणो आहे त कीअं इहो सेंटेंस पूरो कंप्लीट थींदो. ठीकु आहे, चेंज करणो आहे तव्हांखे, करेक्ट जेको आहे उनजो टेंस ठाहिणो आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्टे हियर अंटिल ही कम बैक. ठीकु आहे, इहो कीअं थींदो? आई शल स्टे हियर. मूंखे हिते विहणु खपे, रुकणु खपे, स्टे करणु खपे अंटिल ही कम्स बैक. I shall stay here until he comes back. जेसि ताईं हू वापसि नथो अची वञे. ठीकु आहे, फर्स्ट वन तव्हांजो हू करे छॾियो आहे त जीअं तव्हांखे आइडियो थी वञे त इहो कीअं थी सघे थो. नंबर टू, इफ यू स्पीक द ट्रुथ आई नॉट पनिश यू. नंबर थ्री, वेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव. आई फाइंड द बुक विच आई लव. इफ यू नॉट हरी यू मिस द ट्रेन. ओके, अच्छा, इट्स सो हार्ड. हाणे ॾिसो न, मैट्रिक जे बुक में तव्हांखे इहे जेके आहिनि सेंटेंसिस मिलियल आहिनि. माना आउं यूनिवर्सिटी लेवल जो बुक त कोन खणी आई आहियां न, मैट्रिक में इहे शयूं मिलियल आहिनि. तव्हां त चओ त इहे ॾुखियूं आहिनि. हाणे ॾुखियूं कीअं आहिनि? तव्हांखे पढ़ायोसीं तॾहिं बि ॾुखियूं आहिनि. चलो प्रैक्टिस थींदी त हुन सां सम्झी वेंदासीं. ओके, हाणे ही सेंटेंसिस जल्दी सां कयो. पैरेंथेसिस में जेके जेके वर्ब्स आहिनि उन्हनि जो टेंस तव्हांखे चेंज करणो आहे. अगरि उन टेंस सां रिलेटेड तव्हांखे को हेल्पिंग वर्ब हणो आहे, जीअं मूं आई सां गॾु शल हयो. ठीकु आहे, फ्यूचर जो आई शल स्टे हियर अंटिल, मूंखे हिते विहणु खपे, स्टे करणु खपे अंटिल ही कम्स बैक, जेसि ताईं वापसि नथो अची वञे. ठीकु आहे, इफ यू स्पीक द ट्रुथ आई नॉट पनिश यू. इन जो टेंस छा थींदो? पहिरें सेंटेंस में कहिड़ो टेंस ईंदो, सेकेंड में कहिड़ो ईंदो? तव्हांखे असां टेंसिस पढ़ाया आहिनि, इलाही टाइम टेंसिस पढ़ाया आहिनि. ठीकु आहे, त तव्हांखे इहो आराम सां अचणु खपे. नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1 त मां करे छॾियो आहे, 2, 3, 4, 5 कयो, देन विल मूव. ठीकु आहे, ओके. नंबर 1, यू स्पीक द ट्रुथ आई विल नॉट पनिश यू. रोशनी थी चवे, ओके, रोशनी चए थी, इफ यू स्पीक द ट्रुथ आई विल नॉट पनिश यू. ओके, सिंधी छोकिरी, you speak the truth, I will not punish you. Sadia, our speaking will not punish. Our speaking will not punish. ठीकु आहे, ओके. नरेश ॿुधायो आहे केतिरा सेंटेंसिस. 2, shall stay here until he comes back. I shall stay here until he comes back. मां ऑलरेडी ॿुधाए छॾी आहियां. If you speak, I do not punish you. अगरि तूं ॻाल्हाईंदे त आउं तोखे पनिश न कंदसि. ठीकु आहे, ॾिसूं था. Amjad, if you speak the truth, I will not punish you. Okay. Aftab, if you speak the truth, I shall not punish you. And Rab Nawaz Sahab answers the answer. If you will speak the truth, I will not punish you. When he will reach the station, the train will arrive. Naresh Chaito, when he reached the station, until train arrived. Okay, Jamila, if you speak the truth, I will not punish you. Fine. Daniel, if you speak the truth, I shall not punish you. Achha, theek hai. That was 3, Naresh. I got it. Okay. Jaldi answers deo, sab jaldi deo.
एडा सारा स्टूडेंट्स जवाब दींदा आहिनि एडा सारा, पर अॼु मूंखे जेको आहे सो बसि कुझु ई आहिनि जेके आंसर्स कनि था पिया, 33 ॾिसनि था पिया राइट नाउ, बट आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी. ठीकु आहे, अगरि ॾिसो था त पार्टिसिपेट त कयो न, हिन में पैसो त पैसा त नथा लॻनि, पैसा त ॾिसण था लॻनि पिया न तव्हांजा नेट जा, पार्टिसिपेट करण सां वधीक त न लॻंदा. ओके, सो सफ़िया चए थी इफ यू विल स्पीक द ट्रुथ आई विल नॉट पनिश यू. ओके, फोर I shall find the book which I had lost. Shaman Ali chahe to, you speak the truth, I shall not punish you. Muhammad Ali, if you were speak the truth, I will not punish you. Okay, Naresh, five budhayo mukhe. Acha, Sundar, ke tenses, acha, theek hai. Ta asan lectures, jake tenses jain na, uwe ta receiver jo, ta in tenses me jake bhi issues jain, uwe sab clear thi. Theek hai? Okay. Rab Nawaz, I will find book which I lost. Theeka. Amjad, when will he reach the station? Okay. Okay. And this song dancing the answers. Number one, I stay here until he come back. In a jo thi window, sahi jako tense hai, wo thi window, I shall stay here until he comes back. Theeka. Future una sa agar ma taake budhayo to jade bhi asa ananda si simple future una jo second sentence hundo wo hamesha present indefinite hundo hai. Simple present hundo hai. Theeka. If you speak the truth, I not punish you. If you speak the truth, I shall not punish you. If you speak the truth, right now somebody is asking, right? Here keer puche pe, agar tu sach galhain de, here, right now, aao toke punish kon kandas, future ne, mana punish na thi kone na, thiyan wari aahe na. Speak, cha kando, sach galhain do, here, if you will speak, if you speak the truth, I shall not punish you. When he reached the station, the train arrived. When he reached the station, the train had arrived. Train pahunchi chuki hui, aa chuki thi, pahunch chuki thi, theek hai? Jade hu pahuncho, when he reached, past ji gal ta kahin asi, first simple mein thi, wo second jeko hai, wo past perfect mein thi, to punji chuki hui, kam karna thi chuko na, train aayi ta na pe, progress mein ta na hui, baithi hui station de pahunchi chuki hui, to perfect mein thi do. I find the book which I lost. I found the book which I had lost. Mana past mein ek kam thi chuko ho, gum thi vai hui na book, mili kon hui asanke, uha mukhe mili vai ahe hane ke budhaye pyo ke, I found mukhe mili vai ahe uha kitab jeka mukha gum thi vai hui. Theek hai, if you not hurry you miss the train. If you do not hurry right now, somebody is saying to someone, agar tu takat na kande, jaldi na kande, you will miss the train. Tujhi miss jeka train jeka uha miss thi. Theek hai, so this is how we change it. Okay, these are more sentences. And time ilahi thi view aahe, mukhe lage to tahi sentences par na kare sagandasi, ta pictures in jo click kyo here kika unaka class ka po try ka jo practice karna ji, to subhane class ki start mein ta ka hi puchhi vatandam, and then we'll move on. Theek hai, so jaldi sa picture click kyo in ji, unaka po move on kayo idea jeke and say exercise se jo jo four sentences karai chuki hai ta ke five, that is enough for practice. Theek hai, okay, so okay, and he jekan sentences ta ke dekhara kon thi here. Okay, since I four, and he sentences ahen jeke since I four me ta ke change karna hai, prepositions hain. Preposition is very very important. Theek hai, since kithe use thindo, for kithe use thindo, inna mein aksar students ke maslo thinda na, khabar na pe ji sakandi the since kithe use kayu, for kithe use kayu. Theek hai, to ta ke preposition jo ke uses ahen unan mein asa since for padhai chuka hu. Theek hai, par unna ka ilawa ane diso ite ek revision dai thi sada four sentences ta kayu bhai. Theek hai, for jo ko hai wo kithe use thindo hai, period of time, period of time, number of time, टाइम वर्ड्स अगर हमेशा फोर यूज थींदो आहे. ठीक आहे, फॉर एग्जांपल टू सेंचुरीज पीरियड ऑफ टाइम आहे ना, यो फाइव मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम आहे, हिक प्रॉपर टाइम जे बारे में ॿुधाए थो असांखे फोर. ठीक आहे, फोर फाइव मिनट्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर फाइव मिनट्स, टू वीक्स, सिक्स डेज, पीरियड ऑफ टाइम आहे, केतिरा ॾींहं, छह ॾींहं, ॿ वीक्स, पीरियड आहे, टाइम पीरियड आहे, हाफ एन आवर, अ वाइल, a long time, ever, 10 years, your period of time, and number jane achi to vanye na ke time jo word mein, ta uo jako hai asa hamesha ananda si unhe sa gar four, since kare starting point ho je jane, khatam kare tu aisa ke ya khabar kane ka. ठीक आहे, स्टार्टिंग पॉइंट असांखे ॿुधाए थो पियो, बट वी डोंट नो वेन इट फिनिश्ड. ठीकु आहे, सो उन में असां
एब्सेंस हणंदा सी अ टाइम और अ डेट टाइम सा गलो या डेट सा गलो जदे भी डेट इंदी को ईयर इंदो फॉर एग्जांपल 1991 1995 इन ला जे ते त उन सा गलो हमेशा सेंस लगंदो ठीक आ द स्टार्ट तदे थियो हो खत्म करे थियो सा नी खबर काने का ठीक आ द स्टार्टिंग पॉइंट सेंस बुधाइंदो आ ए फोर जको है वो पीरियड ऑफ टाइम बुधाइंदो आ ठीक आ पूरो ड्यूरेशन बुधाइंदो आ फोर ए सेंस जको है वो स्टार्टिंग पॉइंट बुधाइंदो आ ठीक आ सो दिस इज हाउ वी डू इट हाँ सेंटेंसेस कुछ आन ये हिंसा पढ़ा को हलो हाँ इनके सेंटेंसेस जल्दी से कहो इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग इतने वर्ड मॉर्निंग अव इतने बुक में दिनों होने को मॉर्निंग है लास्ट में तो फोर इंदो या सेंस इंदो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश वन आवर सिंस फोर आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस फोर सिंस या फोर उनका को वर्ड हो तो मुझे लगे तो आई गेस दैट इज ही तो बुक जी मिस्टेक है ओके शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश टू डेज सिंस और फोर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस फोर संडे लास्ट ही हैज बीन बिल्डिंग अ हाउस सिंस और फोर सिक्स मंथ्स द गर्ल हैज बीन मेकिंग अ डॉल सिंस और फोर he has been studying in the school since or for 1998 okay answers achhi gaya hai theek hai amjad 4 amjad again you have are making that mistake I'm just saying that put number of the sentence so that I can get whether like you are giving answer of which sentence theek hai sandas number 2 is 4 they have been playing football for 1 hour theek hai एजाज फोर आई डोंट नो ताके रो आंसर के एजाज नंबर लिखी चलियो फैजान फोर नंबर 1 ओके जमीला चले थी 1 इज सेंस 2 इज 4 ठीक आ दिल मुराद आई डोंट नो ताके रो आंसर के नंबर लिखी चलियो आई गेस ता पहले जो जयो है ठीक आ अमजद नंबर 2 इज सेंस सफिया 1 इज 4 दानियाल सेंस ठीक आ सुंदर 3 इज 4 शमन अली जतो 1 इज 4 रहमत सेंस दानियाल 2 इज 4 Amjad 3 is 4 and Aslam answers kya hai sabri ja very well done okay 1 is sins 2 is 4 3 is sins 4 is 4 5 is 4 theek hai okay so everyone has marked ta ja answers achi hai 1 is sins 2 is 4 3 is 4 sins 4 theek hai then Naresh ji can sab answers kya hai pura answer bhai ta na likho sirf number likhi una sa sins 4 ani chahiye to I'll get it theek hai Naresh okay so aslam 6 is 4 7 is 4 okay 6 is sins 7 is 4 8 is sins got it theek hai roshni sab jawab de chadya ahen 4 tai roshni got your answers sadia bhi dena ahen chahti 1 is sins morning 2 is 4 3 is sins 2000 4 is 4 sins number 5 4 6 theek hai since yesterday sins okay let's move on hane answers diso it has been raining since morning They have been playing football for an hour. I have been living in this house since January. She has been suffering from fever for 2 days. I have been preparing for the examination since Sunday last. So the starting the budhaina kade khatam thi khabar na hai. He has been building a house for 6 months period of time ahe. The girl has been making a doll since noon. Shuru choyo anya nahi thai bhai na thai khabar na hai since aaye. Starting point budhaina ending na budhaina. He has been studying in the school since 1984. It 84 mein shuru thi anya nahi padhe thi nahi padhe we don't know. So starting point hui since budhaina starting point ending na budhaina for jo hai wo duration budhaina puro time budhaina starting ending. Theek hai so this is very very important. Okay, so I guess this is okay. Idioms. And जल्दी से आपके meanings बताओ तो हमारा class end किया. So जो इलाही lengthy class थी वही आ रहे time काफी थी वह. To back out of something. What is the meaning of this idiom? Idiom चाउन दो है. पहले तो यो खबर होने का भी ना ताँके. पहले के तो सर ताँके पढ़ाए चुका है तो idioms चाउन दो है. To back out of something. Idiom लिखेल गालूं दिया है का सां चंदो मुहावरो जो उनके सिंधी में चंदा शायद कल भी तो so this is called idiom to back out of something what is the meaning of it जल्दी साना जी meaning बताया तो पता के माँ या idioms बताया जल्दी and then we'll finish class ठीक है okay what is the meaning of this to back out of something to back out of to take out of something so this का book खोले बिठाया हुआ था मुझे लगे तो किताब खोले बिठाया था okay to back out of something to take out of something theek hai abdul gaffar tahir answer ke last exercise jo thank you very much par hane mujhe na jo answer ke jaisa theek hai okay
हरी अब गाइस टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम सुंदर बताए चलियो आई अच्छा नो मैम ठीक ओके इट लाइक दैट्स वंडरफुल इफ यू नो द मीनिंग दैट्स वेरी नाइस अच्छा ये इंडा है ठीक है ओके टू बैक आउट ऑफ समथिंग टू बैक आउट ऑफ समथिंग अच्छा दिल मुराद आगे न तो अजय कागल का नहीं पढ़ूं था अच्छा ठीक है फाइन टू बैक आउट ऑफ समथिंग गाइस हरी अब सब जवाब दियो तो मुझे खबर पड़े ना तो पो आऊं जल्दी से आगे मूव किया किसी चीज से पीछे हटना रोशनी जैसे ठीक है ओके हेलो आने दे सम डबल आंसर्स टू बैक आउट ऑफ समथिंग टू विथड्रॉ फ्रॉम एन आर्ग्यूमेंट ठीक है के आर्ग्यूमेंट में विथड्रॉ करे वणण उनके चंदा टू बैक आउट ऑफ समथिंग कैसे मन निकली वणण भाई मैं मुझे वास्तव को नहीं वो टू बैक आउट ऑफ समथिंग आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस ठीक है एनी मोर यू गेव यू वर्ड दैट यू शुड हैव यू गेव योर वर्ड्स दैट यू शुड हैव डोंट बैक आउट ऑफ इट हाँ उन पर नहीं यू सैड आई विल हेल्प यू डोंट बैक आउट ऑफ इट पेन इट लफ्ज़न था मुकुर ना पोया ना हट ठीक है टू बीट अबाउट द बुश टू बीट अबाउट द बुश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू बीट अबाउट द बुश नरेश तां लास्ट एक्सरसाइज जवाब देना है आई गॉट इट ठीक है टू बीट अबाउट द बुश यो चाहे ये चला है ना डोंट बीट अबाउट द बुश कम स्ट्रेट टू द पॉइंट डोंट बीट अबाउट द बुश घना मानो वरी लाई इन्हें मैं एक्सपर्ट हूं ना ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बीट अबाउट द बुश To go around and avoid. Okay. Sadhya Jai thi. Sadhya jawab na hai. You are somebody else has given. To go around and avoid. Abdul Ghaffar to chai. Okay, Sadhya. Not stick to the point. Don't talk rubbish. Sundas. Yeah, that is very informal rubbish to talk about in a way. Theek hai. So, chugli karan. Achha. Theek hai. Beat about the bush. Chugli karan na hai. You know? इन सेंस थी सके तो बीट अबाउट द बुश यो विदा ना हेडा उडा जी हणदा यो एको सा गाल करना है एग्जैक्टली सेम पॉइंट अच्छा ठीक है आदिल ओके लेट्स मूव ऑन टू बीट अबाउट द बुश टू गो अराउंड द टॉपिक इन ऑर्डर टू अवॉइड द पॉइंट जने ना हेडा उडा जी गाल करना है एग्जैक्ट गाल ना बुधाइंदा सो से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन एंड स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश जेको तो के चवण है ना वो तू चो हेडा उडा जी गाल करण बंद कर ठीक है ओके बॉन्ड टू पिक विद समवन Bond to pick with someone. रहमत ही जिका था ये जो बुक है मैं मैट्रिक की बुक पढ़ा रही हूँ उसमें से एक कॉम्प्रिहेंशन लिया हुआ है आज उसकी एक्सरसाइजेस हैं जो आज मैं करा रही हूँ ठीक है अवॉइड अच्छा बॉन्ड टू पिक विथ समवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट अवॉइड टॉक डायरेक्टली आफ्ताब तो चाहे अच्छा बॉन्ड टू पिक विथ समवन What is the meaning of it? Born to help others, Sundas. Born to help others. Okay, we'll check whether you are right or wrong. ठीक है. Okay. जल्दी से जवाब दियो तो वो अग्यां हलाऊं अय्यां क्लास एंड क्या? Okay, let's move on. To born to pick with someone to have a grievance about something. I have a bond to pick with you. He has a bond to pick with you. It means kujh cha cha unke to have a grievance about something maslo unko problem hua theek hai that is born to pick with someone to break the ice like easy hai break the ice to break the ice break the ice hane ne answer bataya nahi chalanda ke okay to overcome shyness and put people to At ease with one another. मतलब break the ice जरे लाइक तरह माँग बैठा हो जन सब एक रे साथ थोड़ा reserve जन गल है ना रहा हो जन तो उते जब कोई केर गाल शुरू करे it means the person has broken the ice. The गल है हुआ है both persons kept quiet ठीक है each waiting for the other to break the ice. भाई चुप करे बैठा हुआ है भाई जे कहते wait करने पे आता अगलो जो कोई है वो शुरुआत करे break the ice माना खामोशी के तोड़न या गाल जी शुरुआत करे ठीक है ओके हाँ ही कुछ मीनिंग्स हुई
पर टाइम कोने अज जो ही तां सा डिस्कस कया आऊं ठीक है त मखे लगे तो ही सुभाणे डिस्कस न थी सकनियो पिक्चर जल्दी सा कने करे वठो त जिया या बुक में तां के ये मिली विंदी पिक्चर्स जी जरूरत काने का ठीक है सो दीज आर सम वर्ड मीनिंग दैट वर गिवन इन इन द टेक्स्ट ठीक है वे मीनिंग्स आइन ही बुक कुछ मीनिंग्स आइन जेके उन में आइन बुक में दिनल सो बुक ता कटन दो ताके आराम सा मीनिंग्स मिली गी दियो ठीक है अगर एक का पढ़ाने में ता वधिक ग्रुप अलग लगी गी दो लियो सो इनन के वधिक न था पढ़ो हाने क्लास खत्म थी अज जी एक कॉम्प्रिहेंशन हुयो सुभाणे एक बियो कॉम्प्रिहेंशन खणी ईंदम इंशाल्लाह मैट्रिक जी बुक मां ही क्लास 10th जी बुक मां सो वो डिस्कस कंदासी उन ते गाल बोल कंदासी ठीक है सो अज जे लाइ एतरो ही हुयो उम्मीद त तहां के इलाही कुछ सिखियो हूंदो तव्हां मूं बि इलाही कुझु सिखियो ठीकु आहे इनशाला सुभाणे वरी इन ई टाइम ते 3 बजे मिलंदासीं इंग्लिश जी क्लास में सो तेसि ताईं अलाह हाफ़िज़ थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन टेक केयर एवरी वन गुड बाय